मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है। काजल, तुम यहाँ कल से रुकी हो। देखो, दीक्षा को मैं देख लूंगा, तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। रहने दो, मैं चाहती हूँ जब ये सो के उठे तो मैं इसे इसके पास ही मिलूं। मैं ठीक हूँ। उस बारे में कुछ पता चला, क्यों मारना चाहते थे वो लोग देवा को? मुझे भी नहीं पता। देवा बहुत ही अच्छा आदमी है और दुनिया में अच्छे लोगों के हजार दुश्मन होते हैं। मैं पिछले 12 साल से देवा को जानता हूँ। इतने पास होकर भी मैं उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में नहीं जान पाया। वो हमेशा सीरियस रहता था, लेकिन जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो वो अब मुस्कुराने लगा है। वो काफी बदल गया है। मैं नहीं जानता उसके दिल में क्या है, पर दीक्षा तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मेरे भाई की मदद की और मुझे इसका एहसास तक नहीं होने दिया। यहाँ तक कि मेरे भाई को जो जॉब मिली है वो दीक्षा की वजह से मिली है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि देवा की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। His condition is stable now. If you want, you can go and see him. Diksha, chalo Deva se milenge. Dad. Dad. Kuch pata chala? नहीं, मैंने उस आदमी का बैकग्राउंड चेक किया जिसे टनल में पकड़ा था। इस काम के लिए इंडिया से किसी आदमी ने उन्हें पैसे दिए थे। कॉल ट्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे मुरली कहाँ थे। एक्सक्यूज मी, टाइम इज ओवर, यू हैव टू लीव राइट नाउ। चलता हूँ। कम बॉस। या जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल। Deva is out of danger. जमीन बचाने के चक्कर में खुद तो डूबोगे, साथ में हमें भी डुबाओगे। तुम्हारी 7-स्टार होटल बनने से तो रही, लेकिन उस जमीन पर तुम्हारी 7-स्टार समाधि जरूर बनेगी। एयरपोर्ट के चक्कर में जमीन तो जाएगी और साथ में तुम्हारी जान भी। मैंने कहा था वो मगरमच्छ है, उससे पंगा मत लो। ओके बहना, जीजा बहना को पिज्जा खाना है। उसको बोल भाड़ में जाए, दोबारा फोन मत देना, निकल। हेलो जीजा बोल रहे हैं, भाड़ में जाइए आप। इस तरह क्या देख रहे हो, तुम्हें मजाक लग रहा है? उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया, पर अब नहीं बचेगा। अब जल्दी ठीक हो जाओगे। आई थिंक 3 दिन के अंदर तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। डॉक्टर मैम ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अच्छा वो तो बच गया, कहीं तुझे कुछ हो जाता तो। सारा प्लान चौपट हो गया। सर बोल। देवा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है। अगर वो डिस्चार्ज हुआ तो सबसे पहले तुम मरोगे। Make sure he reaches the mortuary from the hospital. मैं जाकर डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। ओके। सीधे देखो। क्या बोलते हलवादार? अरे ये क्या बोलेगा, सरकारी नौकरी है, एकदम ठाट है। आजा आजा। टाइम वेस्ट हो गया। अरे तो क्या हुआ, बाहर निकल गए ना, फिर से हम अपना धंधा खड़ा कर लेंगे। अच्छा सब हलवा है क्या? अरे हलवा खा लेंगे, सब मिलकर मेहनत करेंगे। और तेरी कमला का क्या होगा? ए तू कमला का नाम मत ले, अगर दोस्ती की बात आए तो कमला क्या पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। ऑटो रुक। पोस्ट ऑफिस जाने का कितना लेगा? 70 रुपए। 70 रुपए? अबे जेल में 6 महीने था, 6 साल नहीं, किसी और को बनाना, समझा? चल जाने दे, सीधा सीधा था। तू जब यहाँ था तो हम सबका कितना ख्याल रखता था बेटा। तेरे जेल जाने के बाद हम सब तो एकदम उदास हो गए थे। तेरा कोई हालचाल नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया हो।
अब हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अरे खाकी फिर कभी नहीं जाऊंगा। एक बात तो बतानी रह ही गई, जब तू जेल गया था ना तो कुछ पुलिस वाले यहाँ आए थे। बेटा जो नया इंस्पेक्टर आया है उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। मेरी मानो तो तुम मुरली से दूर ही रहो, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। क्या है इसके अंदर? दूध है साहब। चेक कर। अबे ऐसे नहीं, ऐसे चेक कर। अरे क्या करें साहब, दूध गिरा दिया। ए देवा, क्या रे गुस्सा आ रहा है? साधु का चोला ओढ़ लेने से पुराने पाप नहीं धुल जाते। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो जरा। अगर दोबारा इस एरिया में अपना धंधा शुरू किया तो एक बार तो बच गए, दूसरी बार जान भी जा सकती है। चलो रे सब। देवा, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था वो ड्राइवर मिल गया है। वफादारी जान से कीमती चीज है, जिसमें वफादारी नहीं उसे जीने का हक नहीं। मुझसे गलती हो गई देवा। अरे नहीं, ये गलती नहीं है, इसको बोलते नियत में खोट। इसलिए मैंने स्मगलिंग की और तू बना पुलिस का खबरी। देवा मेरी बात सुनो। जो तू बोलने वाला है उसी से फैसला होगा कि तू यहां से जिंदा जाएगा या फिर मुर्दा, इसलिए सोच समझ कर बोलना। कल रात जो मालगाड़ी आ रही है उसके चारों डिब्बों में एमएलए मुरली शराब की पेटियां मंगा रहा है। इसे जिंदा रखो जब तक ये साबित ना हो जाए ये सच बोल रहा है। ये सच है देवा, मेरी बात। अगर चाहता है तेरा भेजा तेरी खोपड़ी में ही रहे तो जल्दी फूट इधर से। हमने जितना भी माल मंगाया था सब देवा ने कब्जे में कर लिया है। कल रात को देवा के लोगों ने हमारा माल चोरी कर लिया है। मेरे को मालूम है तुम मुरली के लिए काम करते हो और वो इसके लिए अच्छी कीमत भी देता है, पर मैं उसका डबल दूंगा। बस बदले में इतना ध्यान रखना कि कोई भी पुलिस वाला हमें परेशान ना करे। ऐसी पेटियां मिलती रहेंगी।
हेलो कमिश्नर, मैं मुरली बोल रहा हूँ। अराकु से आने वाली मालगाड़ी से मेरा माल लूट लिया गया है। मैं जानता हूँ ये देवा के लोगों का काम है। शाम ढलने से पहले मुझे मेरा माल मिल जाना चाहिए। सर, ये इतना आसान नहीं है। एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन जाकर सामान चोरी की रिपोर्ट लिखाइए, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये जानते हुए कि माल ना जाया जाए, कमिश्नर मुझसे रिपोर्ट लिखवाने को कह रहा है। जरूर उनकी गोद में बैठ गया है। अब बात सुन, जैसा कह रहा हूँ कर। शहर के हर पोर्ट पर मुरली ने कब्जा कर लिया था, और क्योंकि बस्ती वालों ने मेरा बहुत साथ दिया था, इसलिए उन्हें सजा देने के लिए नौकरी से निकलवा दिया। क्या रे, अपनी गैंग को यहाँ क्यों लाया है? काम से क्यों निकाला? मेरी मर्जी, मैं रखू या ना रखू तुझे उससे क्या? जब तक रखेगा नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। क्या भाई, तेरी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोग ने सुना इधर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग देखने आए कि हमारे लोगों को चोट तो नहीं लगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो जो काम पे आए थे उसको बोला, हम लोग चले जाएंगे। अरे वो नहीं आ सकते, वो सब छुट्टी पर हैं। बेकार में इल्जाम मत लगाओ, समझे? रजिस्टर पर हाजिरी लगी हुई है, आप खुद ही देख लो। क्या नाटक है ये? अरे कुछ नहीं साहब, मैं बस अटेंडेंस लगा के पैसा जेब में रख लेता हूँ। अच्छा, देखो देवा बहुत ही शातिर आदमी है और उसे कमिश्नर का सपोर्ट भी है, बात करके अपना मामला सुलटा लो। ठीक है, कर देना गुड़गोबर, चल। देवा, अकेले में बात करनी है। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारा किया हुआ है, ये मैटर यहीं खत्म कर दो। बदले में क्या चाहिए बोलो? सबको परमानेंट नौकरी दे। परमानेंट? उन्होंने मेरा साथ दिया इसलिए तुमने उनकी नौकरी छीन ली, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करूं। और जो 70,000 का फटका लगेगा उसका क्या? पटका, अगर सोचो कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाए तो फिर कितना बड़ा फटका लगेगा, और फ्रॉड के केस में अंदर डाल दिया तो जेल में कितने फटके लगेंगे। मैं अच्छी तरह समझ गया, तुम उन सबको बुला लो, मैं सबसे बात करके अंगूठा लगवा के भेज दूंगा। फिर छाड़ बत्ती? नहीं नहीं नहीं, तुमने तो केस किया वो लापत, तो अचानक सब कैसे मिल जाएंगे? तुम पेपर मुझे दे दो, मैं साइन करवा के दे दूंगा। समझा छाड़े, चलता हूँ।